ब्लॉक कौंधियारा अंतर्गत ग्राम सभा आंबा के पूर्व में ठाकुर बस्ती के लोग आज की 21वीं सदी में भी 5 पीढ़ी से कीचड़ युक्त दलदल पगडंडी से आने जाने को विवश हैं। धान के खेत का जो कीचड़ युक्त दलदल मेड़ है, वही उनका आने जाने का मार्ग है। आज तक ठाकुर बस्ती के लिए कोई पक्का खंडजा मार्ग नहीं है, न कोई सड़क है। यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो कोई भी वाहन उनके दरवाजे तक नहीं जा सकता, जिसके कि तत्काल दवा की व्यवस्था हो सके। बरसात के दिनों में तो और नारकीय जीवन झेलना पड़ता है। पूरे ठाकुर बस्ती के लोग सरकारी उदासीनता एवं प्रधान व सेक्रेटरी के उपेक्षित रवैये से काफ़ी दुखी हैं, जबकि गांव के दक्षिण तरफ नहर मार्ग से एक चक्रोड लगा हुआ है जो सीधे ठाकुर बस्ती तक चला जाता है, लेकिन प्रशासन महकमा एवं प्रधान व सेक्रेटरी आँख बंद किए हुए बैठे हैं। ठाकुर बस्ती के श्री धर्मपाल सिंह भारी दौड़ धूप करके SDM कर्चना सिंह गुहार लगाई है और कीचड़ की पैमाइश कर पक्का खंडजा मार्ग बनवाने का विनती किया है। प्राग एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए संतोष कुमार की खास रिपोर्ट। बताइए, आपका नाम क्या है? हमारा नाम मुकेश सिंह है। आप बताइए, यहाँ की स्थिति क्या है? यहाँ हम लोगों को कोई सुविधा नहीं मिल रही है, ना तो प्रधान से ना तो किसी से। हमें लोग को ना तो आवास मिला, ना तो लैट्रिन मिली, और सबसे ज़्यादा समस्या तो रोड की है। हम लोग अगर बीमार हो जाए तो 2 किलोमीटर खटिया पर लाद के तब अस्पताल लेकर पहुँचा जाए। रास्ते में ही इतना कीचड़ है, और रास्ता यही है जो ये दिख रहा है भी। हाँ, रास्ता यही है, आ रहे हैं आदमी, ऐसे ही रास्ता है। अच्छा, तो अगर तबीयत खराब हो जाती है तो आपको कितना दूरी में जाना पड़ता है? तबीयत खराब हो जाती है तो 2 किलोमीटर दूरी चल के जाना पड़ता है लाद उठ के। अच्छा, या कैसे भी किसी तरह से ले जाते हैं। अच्छा, यानी आपको अगर किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो समस्या का समाधान नहीं है आपके पास? कुछ भी नहीं है यहाँ पे, और बच्चे भी पढ़ने लिखने जाते हैं कीचड़ में हिल हिल के, तो यहाँ पर पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से। यही सबसे समस्या रास्ता की है यहाँ। चलिए ठीक है। हाँ बताइए चाचा, आपको क्या समस्या है? हमें समस्या है 1213 चक्रोड पर पत्थर गड्ढी हुई, आज तक यहाँ कोई सुविधा हमें नहीं मिला करके। आप मौका करना कि सही है कि गलत है, आज 50 साल की बात हम कह रहे हैं, यहाँ पड़े हैं, लेकिन हमारा सुनने वाला कोई नहीं, ना प्रधान सुनने वाला है और ना कोई सुनता है। अच्छा। हम कैसे रहेंगे, आप आ करके मौका करें। अच्छा, घर नहीं है आपके पास? नहीं, हमारे पास घर नहीं। खेत बाड़ी नहीं है। अच्छा, हाँ चलिए ठीक है। रास्ता उसका क्या दिक्कत है? रास्ता नहीं है, लड़का ले जाते हैं हमका ले करके, गिर जाते हैं, फिर गाँव जाते हैं, लैया के हाथ गोड़ धोते हैं, तो हम जाते हैं अस्पताल। आप इसी प्रकार से देख सकते हैं, जो सुविधा मूलपुर से गरीबों के लिए आई है, ना अब न प्रधानमंत्री आवास न मुख्यमंत्री आवास। यहाँ देख सकते हैं ग्रामीणों का कैसे ये लोग बता रहे हैं, यहाँ अब तक कुछ भी पहुँचा नहीं। सरकार की तरफ से योजना सारे लागू हैं, लेकिन आज तक ग्रामीणों के पास कुछ भी नहीं पहुँचा। तो दादा, आप कितने वर्ष से यहाँ रह रहे हैं? 50 साल से। आप देख सकते हैं कि 5 साल में सरकार बदलती है, लेकिन यहाँ गांव का अभी तक एक भी गरीब जनता का कुछ भी नहीं मिला। आप यहाँ कितने पीड़ित हैं यहाँ लोग।